Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss third part of drug used on skin and mucous membrane. ठीक है, ये पार्ट थर्ड है. पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को और अच्छे से देख सकते हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन, डर्मेटोलॉजिक बाइकबिकल्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स तक डिस्कस किया था. फिर पार्ट सेकंड में हमने एंटी फंगल एजेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स तो नहीं किए थे. इसके अलावा आपका एक्टो इम्यूनोमॉड्यूलेटर छोड़कर, इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्योंकि मोस्टली आपका जो ओरल ड्रग होती है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन इम्यूनोमॉड्यूलेटर का यूज़ बेसिकली आपका टॉपिकल डिसऑर्डर में ये आता है इसलिए यहाँ नाम डाल दिया. ठीक है, इसके अलावा आपका एक्टो पैरा साइट्रीसाइड्स भी यूज़ किए थे. उसके बाद हमने एजेंट अफेक्टिंग पिगमेंटेशंस भी देखा था सेकंड पार्ट में. सनस्क्रीन के बारे में देखा था सेकंड पार्ट में और इंस्पिरेशन के बारे में देखा था सेकंड पार्ट में. तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो आपको ब्लू टॉपिक दे रहे हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब रेड टॉपिक जो रहे हैं, रेड कलर के आपको दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रेटिनोलाइटिक एजेंट्स, डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स, एंटी परपुरेटिस एजेंट्स एंड ट्राइकोजेनिक और एंटी ट्राइकोजेनिक एजेंट्स को हम पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. द एंटी माइटोटिक इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑन एपिडर्मिस अकाउंट फॉर देयर एक्शन इन डिसीज विद इंक्रीज सेल टर्नओवर. यानी एंटी माइटोटिक इफेक्ट जो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एपिडर्मिस पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर एपिडर्मिस अकाउंट फॉर देयर एक्शन इन डिसीज विद इंक्रीजिंग सेल टर्नओवर, जिसमें सेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. जैसे सोराइसिस में क्या होती है, बहुत सारी सेल झड़ रही होती हैं, ड्राइनेस ऑफ सेल हो रही होती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और साथ में सेल बहुत ज़्यादा, जो आप देखेंगे कि अगर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि उसमें किटनाइज की एपिथीलियम की सेल बराबर डिवाइड हो रही होती है. तो बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, एंटी माइटोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वह एपिडर्मिस जो थिक हो रही होती है हमारी स्किन के ऊपर उसमें डिवीजन रुक जाएगा. जब डिवीजन नहीं होगा तो एपिडर्मिस का थिकस्ट होना, थिक नहीं होगी और टर्नओवर ज़्यादा नहीं होगा. तो सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है, सोराइसिस में जो स्किन झड़ रही होती है वो प्रोसेस रुक जाती है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ओनली मेनली एब्जॉर्व फॉलोइंग एप्लीकेशन टू द नॉर्मल स्किन. तो जो आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो आपकी ओनली मिनिमम, मतलब कम से कम आपकी जब हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं नॉर्मल स्किन पे तो ऑब्जर्व हो पाती है. ओनली 1% ऑफ डोज ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन अप्लाई टू द वेंट्रल फॉरआर्म इज ऑब्जर्व. अगर आप देखेंगे कि आप में फॉरआर्म में आप अप्लाई करें वहाँ पर, और अप्लाई करने में केवल 1% जो आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज होती है वही ऑब्जर्व हो पाती है. कोलिजन विद ए प्लास्टिक रैप इन्हांस द पेनिट्रेशन एल टू टैफ टेन फोल्ड इंक्रीज द ऑब्जॉर्प्शन. या ऑकुलेशन मतलब क्या है, जैसे कि आपका ऑइंटमेंट बेस लें या विद प्लास्टिक रैप्स, या ऑइंटमेंट बेस कुछ हमने लगाया उसके ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग कर दी तो उससे क्या है कि इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है लगभग 10 times इसका ऑब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी होते हैं वो क्रीम बेस में या ऑइंटमेंट बेस में होते हैं, जिससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में उस स्किन पे प्रेजेंट रहें और ज़्यादा पेनिट्रेशन हो पाए और ज़्यादा टाइम तक वो एब्जॉर्व हो पाए. अगर आप इमल्सन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जेल में लेंगे तभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. और इसके एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हों ऑइंटमेंट बेस में हों या क्रीम बेस में हों. तो इसलिए आपने देखी होंगी जितनी भी प्रिपरेशन आती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वो आपकी ऑइंटमेंट प्रिपरेशन होती हैं या फिर आपकी क्रीम प्रिपरेशन होती हैं, क्योंकि अगर और किसी प्रिपरेशन में लेंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ख़राब है, अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं. सॉरी, ठीक है. हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिपरेशंस वेरी एंड कंपेयर्ड विद फॉरआर्म ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन इज एब्जॉर्ब. अब ये देखा अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में देखें तो अलग अलग पार्ट में कितने टाइम्स फॉरआर्म से कंपेयर किया गया है, कितने टाइम्स ऑब्जॉर्प्शन रेट उसकी बढ़ी हुई होती है. जैसे कि अगर हम बात करें फुट आर्च, प्लेंटर फुट आर्च जो हमारा आर्च है, जो हमारा मतलब एक एक्ल वाला पोर्शन है उसके ऊपर वाला जो आर्च पोर्शन है उसके नीचे उसके आसपास का जो आर्च पोर्शन होता है वहाँ पर लगभग जो फॉर आर्म से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाइड्रोकॉर्टिसोन जो एब्जर्व होगा
उससे कंपेयर में यहाँ पर 0.14 टाइम्स एब्जर्व हो पाता है। इसी तरीके से पाम है, हमारी हथेली है, हथेली से भी क्या है जो फॉर आर्म जो हमारी बाजू से जितना कॉर्डिकल स्ट्रेट एब्जर्व होगा उसके कंपेयर में 0.83 टाइम्स वहाँ से एब्जर्व हो पाता है। मतलब फॉर आर्म से हमारे फुट और पाल्म से दोनों से ही एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा, क्योंकि यहाँ की स्किन क्या होती है काफ़ी थिक होती है, और थिक होने की वजह से क्या होगा जो एब्जॉर्प्शन रेट है हाइड्रोकॉर्टिसोन का यानी कॉर्टिकल स्टेरॉइड का वो क्या होता है कम होता है। इसके अलावा जो 3.5 टाइम्स एज वेल थ्रू द स्कैल्प, जो स्कैल्प है हमारा जो सिर है, सिर के जो स्किन है, सिर के आसपास की जो स्किन है स्कैल्प पोर्शन है वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन अच्छे से ऑब्जर्व हो पाता है। अगर फॉरआर्म से कंपेयर करें तो 3.5 टाइम्स मोर एब्जर्व हो पाता है एज कम्पेयर टू द फॉरआर्म, 6 टाइम्स एज वेल थ्रू द फॉरहेड, जो फॉरहेड पोजिशन है अगर वहाँ पे कॉर्टिसोन अप्लाई करें तो ये भी आपका फॉरआर्म से 6 टाइम मोर एब्जर्व होगा। इसके अलावा 9 टाइम्स एज वेल थ्रू द वल्वर स्किन, जो आपका वल्वा पोजिशन है बेजाने का उसकी स्किन से भी 9 टाइम्स मोर एब्जर्व हो पाता है, और 42 टाइम्स एज वेल थ्रू द स्क्रोटल स्किन, जो स्क्रोटम पोजिशन होता है टेस्टिकल्स के ऊपर वो स्किन जो होती है वो पोस्टर लगभग 42 टाइम्स मोर एब्जॉर्प्शन कर पाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन्स का। तो ये बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जहाँ पर किस एप्लीकेशन के पर्पज़ से इसके टॉपिकल डोज बनाए जा रहे हैं उस एप्लीकेशन, मतलब किस एप्लीकेशन के लिए हम वो टॉपिकल डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम बन रही है, ऑइंटमेंट बन रही है, और किस पोर्शन में अप्लाई करनी है उस पोर्शन में अप्लाई करने के हिसाब से ही इनकी डोज को उनके कॉर्टिकोस्टेरॉइड को ऐड किया जाता है। जहाँ एब्जॉर्प्शन कम है तो वहाँ पर क्या होगा इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसके जो टॉपिकल प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, और जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन को हम कम रखते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली उस पर्पज़ से किया जाता है। पेनिट्रेशन इनक्रीज सेवरल फोल्ड इन द इन्फ्लेमेड स्किन, एट्रोपी, डर्माटाइटिस और एक्सप्लोरेटिव डिसीज़, और इसका जो पेनिट्रेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो पेनिट्रेशन है एब्जॉर्प्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वहाँ कई किसी इन्फ्लामेटरी स्किन जहाँ पर रेडनेस हो रही है स्किन की वहाँ लगा दी जाए। एटॉपिक डर्माटाइटिस जैसे स्किन है जहाँ पर रफ़ स्किन हो गई है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो गई है, वहाँ पर अप्लाई करें तो वहाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक्सप्लोटिव डिसीज़ कोई स्किन की और डिसीज़ है वहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स देखने लगे हैं तो वहाँ भी ईजिली वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। इसके अलावा ऑइंटमेंट बेस्ड जो मैं आपको बात कर रहा था अभी पहले, ऑइंटमेंट बेस्ड टेंड टू गिव ए बेटर एबिलिटी टू डू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड देन द क्रीम एंड लोशन व्हीकल्स, यानी कि ऑइंटमेंट बेस्ड जो होंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के वो अच्छे से एब्जॉर्ब उसके एब्जॉर्प्शन की रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अगर एज कम्पेयर टू द क्रीम और लोशन व्हीकल्स की बात करें। तो ऑइंटमेंट जैसे आप देखेंगे जितने भी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रिपरेशन आती हैं उसकी जो क्रीम होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, उसकी क्रीम होगी बहुत ज़्यादा थिक होगी या ऑइंटमेंट में होगी, ऑइंटमेंट जैसी होती है मेरी। जितने भी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिन भी टॉपिकल प्रिपरेशन में होंगे वहाँ वो सभी क्या होंगे, ऑइंटमेंट होंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, इन द फॉर्म ऑफ लोशन, इट इज़ ओनली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स बिकॉज ऑइंटमेंट बेस्ड प्रोवाइड ए मोर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑइंटमेंट बेस्ड में ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईजिली एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो पाता है। ए 10-fold इंक्रीज इन हाइड्रोकॉर्टिसोन कंसनट्रेशन कॉज ओनली द 4-fold इंक्रीज इन द फॉरआर्म एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक बात यहाँ पर यह कह रही है कि अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाइड्रोकॉर्टिसोन की कंसनट्रेशन को किसी भी पार्ट में अप्लाई करें वहाँ पर उसकी साइट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दें तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ बात की है कि अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोन की कंसनट्रेशन को 10 गुना बढ़ा दें तो उसके जो फॉरआर्म से जो एब्जॉर्प्शन है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि साइट ऑफ एप्लीकेशन में जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, हाइड्रोकॉर्टिसोन की, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंट्रा लीजियल इंजेक्शंस ऑफ इनसॉल्युबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि आपका ट्राई एमिसलोन प्रिपरेशंस इंक्रीज दियर पेनिट्रेशन। अब इंट्रा लीजियल इंजेक्शन क्या होते हैं कि हमारे डर्मिस पे ही जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है, डर्माटाइटिस जैसे इन्फेक्शन हुए हैं या सनबर्न जैसी प्रॉब्लम हुई है या आपकी थर्मल प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पर उस स्किन में ही जहाँ पर ये घाव हुआ है या स्किन में डर्माटाइटिस हुई है या स्किन इचिंग हुई है उन स्किन में ही डायरेक्टली इंजेक्ट के थ्रू अप्लाई किया जाता है। किसको? इनसॉल्युबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सॉल्युबल नहीं है ऑइंटमेंट में उनको एक ही तरीका है, उनको इंजेक्ट कर दिया है सीधे सीधे स्किन की लेयर में। ठीक है,
तो उससे इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैन दीज एजेंट्स आर इंजेक्ट इन टू द लीजन्स, मेजरेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुअली रिलीज फॉर 3 to 4 वीक। और जब ये डायरेक्टली एजेंट स्किन की लीजन जहाँ पे घाव हैं, जहाँ पे कोई चमड़ी मोटी हो गई है, थिक स्किन हो गई है, वहाँ पे आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दी, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, तो वहाँ से हल्के 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 जो ड्रग है वो रिलीज़ होने लगती है। लगभग आपके 3 से 4 वीक तक वो आपकी हल्के हल्के रिलीज़ होगी। यहाँ पर इनके उसका एक्शन होगा वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एडवर्स इफेक्ट स्किन पे अप्लाई करने पे क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर एट्रोफी। एट्रोफी मैं आपको बता चुका था कि स्किन वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर स्किन जो सेल है, सेल बहुत ज़्यादा पतली हो जाए या सेल की वहाँ पर डैमेज होने लगे, यानी लॉस ऑफ द सेल वॉल्यूम, सेल क्वांटिटी, एट्रोफी। इसके अलावा स्टेरॉइड रोसिया में क्या होता है, डिप्रेस होगी, व्रिंकल स्किन बन जाती है, सिगरेट पेपर लाइक कलर की स्किन हो जाती है। इसके अलावा आपका टेलिंगी सेटेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी कैपिलरी होती हैं, वो सुपरफिशियल स्किन पर आती हैं, आसानी से दूर से दिखने लग जाती हैं, रेड रेड कलर की आपको बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स कोई कैपिलरी की फॉर्म में आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। एंड टेंडेंसी टू डेवलप परफ्यूरा एंड इकोमोसिस, मतलब इसके अलावा वहाँ पर कुछ मुहासे टाइप की या फिर हल्की छोटी छोटी फुंसी टाइप की प्रिपरेशन वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिस उस कंडीशन क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड रोसिया। इसके अलावा स्टेरॉइड एंस भी होते हैं, ये मुहासे में लाते हैं अगर स्टेरॉइड को ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या परसिस्टेंट एरिथीमिया होगा, यानी सनबर्न जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा आपका टेलगिन टैटिक्स बेसल्स, मतलब टेलगेंटेटिक बेसल्स मैंने आपको बताया, जैसे आपकी कैपिलरी हो, वो कैपिलरी सुपरफिशियल स्किन पे दिखने लगे बाहर से, रेड रेड कलर की आपको ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरी वेसल्स दिखने लगे, उस कंडीशन बोलते हैं। इसके अलावा पोस्टुलस एंड पॉपुलस फॉर्म, यानी कि जो आपकी छोटे छोटे मुहासे पिंपल्स हैं उनका फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्ट्रेशन ऑफ क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, यानी कि जो क्यूटेनियस लेयर है वहाँ पर जो क्यूटेनियस लेयर का इन्फेक्शन है वो आपका कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, बेसिकली हम आपके पार्ट में जो इम्यूनोसप्रेशन काम करते हैं, इम्यूनिटी को डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कभी कभी इन्फेक्शन के चांसेस क्यूटेनियस लेयर में बढ़ जाते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन, वहाँ पर जहाँ पर ये लॉन्ग टाइम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जो पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाएगा, जिसके स्किन क्या होगी, व्हाइटेस्ट लग की स्किन आपको दिखने लगेगी, यानी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाएगा, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। इसके अलावा हाइपर ट्राइकोसिस मतलब क्या है, कहीं पर ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपके बाल लगलाते हैं, यानी कि हेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मेनली फीमेल में ज़्यादा दिक्कत होती है। फीमेल अगर फेस में ज़्यादा अप्लाई कर रही हैं तो फेस के किस पोर्शन में जहाँ ज़्यादा अप्लाई कर रही हैं वहाँ पर कभी कभी क्या है, हेयर की ग्रोथ, ओवर हेयर ग्रोथ हो जाती है। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहीं अगर ऐसा है कि आपके आई ड्रॉप में पड़ा हुआ है और आप कुछ कंटिन्यू उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, बहुत समय तक हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते करते, तो आपके आई के अंदर जो बिटरस फ्लूड होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब बिटरस फ्लूड बढ़ जाएगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर भी बढ़ जाता है। लास्ट इज द एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस भी कभी अपेयर होने लगती हैं और डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन बन जाती हैं लॉन्ग टाइम तक यूज़ और करने पर ओनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये आपके हुए एडवर्स इफेक्ट और हमने डिस्कस किया किस किस कंडीशन में कैसे कैसे ये ऑब्जर्व होती हैं और कैसे कैसे ये अपना इफेक्ट देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बेसिकली हम देते क्या हैं, यूज़ क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली क्या है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, इचिंग जो हो रही है, बर्निंग जो हो रही है और इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। मतलब यूज़ करें टॉपिकली, लेकिन जब आपको बर्निंग या इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रहा है तभी यूज़ करें, अदरवाइज यूज़ ना करें, ठीक है। फिर आते हैं क्रोटिलैटिक और डिस्ट्रक्टिव एजेंट, यानी क्रोटिलैटिक डिस्ट्रक्टिव एजेंट वो एजेंट जो हमारी डर्मिस लेयर की ओवरग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा थिक वाट या मस्सा बन गया है, तो उसको हटाने के लिए मस्सा टाइप का पोर्शन बन गया स्किन पे, बहुत ज़्यादा थिक स्किन हो गई है, बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिनिन लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो उसको हटाने या उसको डैमेज करने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, क्रोटिलैटिक या डिस्ट्रक्टिव एजेंट होते हैं। तो क्रोटिलैटिक डिस्ट्रक्टिव एजेंट में आपका सैलिसिलिक एसिड होता है, जैसे आपको जो डैमेजिंग सेल है उसको हटाने के लिए सैलिसिलिक, जैसे आप देखेंगे अगर आप कभी आप कोर्स गौर करना, जितने आपकी फेस वॉश की प्रिपरेशंस होती हैं, फेस वॉश जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी फेस वॉश में आपको सैलिसिलिक एसिड और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मिल जाएगा,
क्योंकि सैलिसिलिक एसिड और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉन क्या करते हैं, आपकी जो स्किन की ऊपर वाली जो स्किन की जो टॉप टॉप लेयर है, टॉप लेयर जो आप ऊपर वाली लेयर है जो डैमेज सेल है उसको वो आसानी से रिमूव कर देते हैं। तो ये क्रिटोलाइटिक डिस्ट्रिक्ट एजेंट का यही काम है कि जो आपकी स्किन की जो अपर लेयर है जिसमें बहुत सारी आपकी क्रिएटिनिन की लेयर बहुत ज़्यादा जमा, डेड सेल की लेयर एक के ऊपर जमा होती चली गई है, तो उनको हटाने का काम किसका होता है? क्रिटोलाइटिक और डिस्ट्रक्टिव एजेंट का। इसलिए जो फेस वॉश प्रिपरेशन है, फेस वॉश जितने भी होते हैं या आपके स्क्रब पोश स्क्रब होते हैं, उन सभी में सैलिसिलिक एसिड और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल आपको मिलेगा। कभी आप कंटेंट देखना उसमें आपको हमेशा मिलेगा सैलिसिलिक एसिड भी पड़ा हुआ होगा और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल भी पड़ा होगा। इसके अलावा यूरिया है और पोडोफाइलम रेजिन है, पोडोफाइलोटॉक्सिन है, फ्लोरोयूरेसिल है और अमीनो लेविनिक एसिड्स हैं। तो ये सभी आपके यूज़ किए जाते हैं ऐसे क्रिटोलाइटिक डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स। तो सैलिसिलिक एसिड का क्या यूज़ है वो देखते हैं। सैलिसिलिक एसिड हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज एज ए क्रिटोलाइटिक एजेंट। सैलिसिलिक एसिड को ऐसे क्रिटोलाइटिक एजेंट यूज़ किया जाता है, बताया था मैंने आपको, जो ऊपर की डैमेज सेल डैमेज लेयर डेड सेल की लेयर है स्किन के ऊपर की, उसको हटाने का काम कौन करेगा? सैलिसिलिक एसिड। इट्स मैकेनो एक्शन इज नॉट अंडरस्टूड एंड सैलिसिलिक एसिड इज क्रिटोलाइटिक इन कंसंट्रेशन ऑफ 3 to 6%। 3 to 6% अगर पोशन में किसी फेस वॉश या किसी और टॉपिकल क्रीम में अगर प्रेजेंट है तो ऐसे सैलिसिलिक एसिड क्रिटोलाइटिक एजेंट का काम करते हैं। इन इन कंसंट्रेशन ग्रेटर दैन 6% इट मे बी डिस्ट्रक्टिव टू द टिशू। अगर 6% ज़्यादा हो जाएगी तो ये डिस्ट्रक्टिव टिशू का काम करेगी। डिस्ट्रक्टिव टिशू मतलब जो आपके टिशू हैं स्किन के जो जो सर्वाइवल कर रहे हैं, जो लाइव टिशू हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर्टिकुलर केयर मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन यूजिंग द ड्रग ऑन द एक्सट्रामेटाइटिस ऑफ डायबिटिक्स पेशेंट विद पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज़। यानी कि जो आपकी पर्टिकुलर केयर बहुत ज़्यादा हम उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी जब हम ये ड्रग बेसिकली डायबिटिक पेशेंट को और जो आपकी पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ की पेशेंट है उसको अप्लाई करें, क्योंकि वो क्या है वहाँ पर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अप्लाई हो गए तो वहाँ की सेल के जो सेल है जो आपकी स्किन है की जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी और उसकी जो प्रॉपर हीलिंग आसानी से पॉसिबल नहीं है डायबिटिक पेशेंट में भी और पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज़ के पेशेंट में भी। इसलिए दोनों पेशेंट को जो हम अगर सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल यूज़ एलोन एज क्रिटोलाइटिक एजेंट्स इन 40 to 70% में यूज़ कंसंट्रेशन में हम प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का जो 40 to 70% कंसंट्रेशन प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो है वो आप ऐसे क्रिटोलाइटिक एजेंट का काम करेगा, यानी कि जो आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करने का आसानी से काम करता है विद ए प्लास्टिक ऑक्लूजन और इन ए जेल विद 6% सैलिक एसिड्स। यानी कि अगर और साथ में अगर प्लास्टिक ऑक्लूजन मतलब क्या है कि मतलब जितने भी आपके क्रीम्स वो फेस वॉश हैं और भी प्रिपरेशन है अगर जेल में है तो उसमें 6% सैलिसिलिक एसिड के साथ में अच्छा काम ही करता है। इट इज़ आल्सो इफेक्टिव ह्यूमेक्टेंट इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ द स्टेटम कॉर्नियम। इसके अलावा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का एक अच्छा रोल होता है कि आपकी जो ह्यूमेक्टेंट है ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, यानी कि जो स्किन के अंदर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है, वहाँ पर स्किन से जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव नहीं होने देगा। इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ द स्टेटम कॉर्निया। स्टेटम कॉर्निया के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा बनाएगा यानी स्किन को ड्राई होने से ही रोकता है। स्किन के अंदर मॉइस्चर आपका कंटिन्यू मेंटेन रहेगा किसकी वजह से? पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल। इसलिए पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में पड़ा हुआ होता है आपको अक्सर मिलेगा। आप कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की अगर इंग्रेडिएंट में देखेंगे तो अक्सर आपको प्रोपाइलीन ग्लाइकोल मिल जाएगा और साथ में सैलिसिलिक एसिड भी मिल जाएगा। इट डेवलप एन ऑस्मेटिक ग्रेडियंट इंक्रीज द हाइड्रेंट ऑफ आउटर लेयर्स वाई ड्रॉइंग वाटर आउट फ्रॉम इनर लेयर। और ये बेसिकली कॉस्मेटिक प्रेशर जनरेट करता है जिससे क्या होता है कि हाइड्रेशन जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो हाइड्रेट हो जाती है, उसमें वाटर पोशन या मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है बाई ड्रॉइंग ए वाटर आउट फ्रॉम द इनर लेयर। इनर लेयर जो बॉडी की है वहाँ से वाटर आपकी सुपरफिशियल लेयर में पहुँच जाता है, जिससे कि सुपरफिशियल जो स्किन की लेयर है जो बाहर वाले स्किन के लेयर है वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब आते हैं यूरिया में। यूरिया इज ए इन ए कंपैटिबल क्रीम बाइकल और ऑइंटमेंट वेस हैज़ ए सॉफ्टनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ऑफ स्टेम कॉर्नियम। जो यूरिया का भी यही काम है। यूरिया क्या है आपकी क्रीम बाइकल्स में ऑइंटमेंट बेस में प्रेजेंट होती है और इसका मेनली काम क्या है सॉफ्टनिंग और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं स्टेम कॉर्नियम, यानी कि जो हमारी स्किन है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे उसको सॉफ्टन का काम करते हैं। इट्स मेक क्रीम एंड लोशन फील लेस ग्रीजी एंड डिक्रीज द वाइल्ड फीलिंग ऑफ ड्रग।
तो यूरिया क्वांटिटी अगर आपकी क्रीम या लोशन में प्रेजेंट हो हल्के से, तो ये क्या करेंगे वहाँ पर आपकी जो ग्रीजी ग्रेजी और जो ऑयली अपीरेंस होती है स्किन की, उसे ये रिमूव कर देते हैं, उसको ये कम कर देते हैं। यूरिया इज आल्सो क्रिएटिवलाइटिक बाई अल्टरिंग द प्री क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन लीडिंग टू द इंक्रीज द सोलबलाइजेशन। और यूरिया के अंदर क्रिएटिवलाइटिक की प्रॉपर्टी भी है कि अगर स्किन के ऊपर आपके क्रिएटिनिन की लेयर ज़्यादा है, क्रिएटिनिन ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको वो हटाने में अल्टर मतलब हटाने के अच्छा काम करता है, और वो हटाएगा कैसे, उसको सोलबलाइजिंग मतलब सोलबल बना देगा, जिससे वो स्किन से आसानी से रिमूव हो जाए। ऐसे हिमक्टेंट यूरिया इज़ यूज टू कंसल्टेशन 2-20% इन क्रीम लोशंस। अगर हिमक्टेंट जैसा यूज़ किया है जो मॉइस्चर को स्किन में मेंटेन करने के लिए, अगर हम किसी क्रीम वेपरेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो यूरिया की क्वांटिटी जो होती है 2-20% की यूज़ की जाती है। ऐसे क्रिटोलाइटिक एजेंट में अगर यूज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी जो होती है 20% यूज़ की जाती है, हाइपर किडियोसिस ऑफ पाल्म्स एंड सोल्स। ठीक है, कंसल्टेशन ऑफ 30-50% अप्लाई टू द नेल प्लेट हैव बीन सक्सेसफुली सॉफ्टन द नेल फॉर ईयर द ऑक्लेशन। अगर इसकी 30-50% कंसल्टेशन जो हो यूरिया की हर नेल के आसपास अप्लाई करते हैं, तो नेल के आसपास का जो क्यूटेनस लेयर होती है, स्किन होती है, वो हार्ड से सॉफ्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर आपका बचता आपका पोडोफाइलिन रेजिन और पोडोफाइलिन टॉक्सिन्स। तो इनका ये मेजरली क्या है आपके, बेसिकली ये आपके तो मेजर यूज़ जो पोडोफाइलिन रेजिन का होता है वो आपके कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम में यूज़ किया जाता है, कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम। बेसिकली होता क्या है अगर आप इसे देखेंगे, तो इस किसी भी स्किन में, स्किन किसी भी ऑर्गन, हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है, उस ऑर्गन के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में स्किन का बहुत ज़्यादा बल्की हो जाना, स्किन का कंटिन्यू बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाने की वजह से वहाँ एक वार्ट, एक मस्सा टाइप का बन जाता है, छोटे टाइप के छोटे मस्से बन जाते हैं, उस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे ड्राई जो मस्से बन जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम। तो उस कंडीशन में क्या है, उस जो डेड स्किन है, डेड क्रिएटिनिन की लेयर है, उसको हमें वहाँ से हटाना है, और उसको हटाने के लिए यही पोडोफाइलिन रेजिन या पोडोफाइलिन टॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। तो ये 25% कंसंट्रेशन ऑफ पोडोफाइलिन रेजिन इन ए कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोकेन इज यूज टू कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम में यूज़ किया जाता है 25% कंसंट्रेशन से, जिससे कि जो डेड सेल की जो लेयर है मस्से में, जो मस्से की जो ऊपर वाली लेयर होती है, मस्सा जो होता है हल्के क्या होता है, झड़ना शुरू हो जाता है, तो मस्से का जो साइज होता है वो छोटा छोटा होता चला जाता है। एक बार फिर कंटिन्यू जब यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। पोडोफाइलोटॉक्सिन इज ए सॉरी एप्लीकेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टली टू द वार्ट टिश्यू ओनली। ठीक है, वार्ट टिश्यू जो, अगर ओनली वार्ट टिश्यू है तो वहाँ पर इसे अप्लाई ना करें, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन ज़्यादा कर सकता है, लेकिन अगर ड्राइड और डेड टिश्यू की कंटिन्यू लेयर है तो वहाँ पर ये अप्लाई जरूर किए जाते हैं। पोडोफाइलोटॉक्सिन इज ए साइटोटॉक्सिक एजेंट्स स्पेसिफिक एफिनिटी टू द माइटोटिक डिस्पेंडल्स, मतलब पोडोफाइलोटॉक्सिन एजेंट जो होंगे साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं, तो उस वजह से क्या होती है, सेल का डिवीजन रुक जाता है, और वहाँ पर जो सेल जो काफ़ी थिक होती जा रही, डिवाइडिंग होते होती है, वो ज़्यादा डिवाइडिंग नहीं होगी। नॉर्मल असेंबली ऑफ स्पिंडल इज प्रिवेंटेड एंड एपिडर्मल माइटोसिस आर अरेस्टेड। जो मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, वो बेसिकली इस पोडोफाइलोटॉक्सिन की वजह से नहीं बन पाते हैं। जब वो नहीं बन पाएंगे तो माइटोटिक्स जो फेज होती है वो आपकी अरेस्ट हो जाएगी, वो आपकी नहीं हो पाएगी, जिस वजह से वहाँ पर सेल का डिवीजन होता है रुक जाता है। द पेशेंट शुड वॉश ऑफ प्रिपरेशन 2-3 आवर आफ्टर द इनिशियल एप्लीकेशंस। और जैसे जैसे हम पेशेंट एप्लीकेशन करें, बार बार उसे वॉश आउट करते जाए 2-3 घंटे बाद में फिर अप्लाई करते जाए, तो क्या होगा, वहाँ पर ये जो स्किन की बहुत सारी लेयर हैं वो कम होती जाएंगी, और उनका लेयर का फॉर्म, लेयर की ग्रोथ भी रुक जाती है। ठीक है, इफ़ अप टू 5 एप्लीकेशन हैव नो रिजल्ट इन ऑक्लूशन, अदर मेथड शुड बी कंसिडर्स, वो तो यूज़ किए जाएंगे। और यूजिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडेड इन द व्यू ऑफ पॉसिबल साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स, को प्रेगनेंसी कंडीशन में इसे यूज़ नहीं करते हैं। और जो प्योर जब का 0.5% पोडोफाइलोटॉक्सिन होता है वो ऐसे यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ जेनेटल कॉन्डाइलोमास में यूज़ किया जाता है, जेनेटल ऑर्गन के आसपास जो
क्रिएटिनिन के जो आपके मस्से बन जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए। अब आते हैं फ्लोरोयूरिसिल। फ्लोरोयूरिसिल बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है। इसका यूज़ आपका एटैक्टिक क्रोटियोसिस में यूज़ किया जाता है, जो सन की वजह से कहीं कहीं डर्मिस लेयर होती हैं, जो एपिडर्मल लेयर होती हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं। तो दिस रिस्पॉन्स बींग विद एरिथीमा, जो मैं बताया था, ये जो आपकी थिकनेस जो स्किन है वो रिस्पॉन्स बिगनिंग विद एरिथीमा, वेस्कुलाइजेशन, इरेशन, सुपरफिशियल अल्सरेशंस और नेक्रोसिस एंड फाइनली रीएपिथेलाइजेशंस। तो जो बहुत ज़्यादा थिक स्किन हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन जो हो गई है, रफ स्किन हो गई है, बहुत ज़्यादा मोटी स्किन हो गई है, तो उसको जो है गल के जो लोग 5-फ्लोरोयूरिसिल जो अप्लाई करते हैं, तो पहले जो होगी वो एरिथीमा होगी, वहाँ पर रेडनेस होगी, फिर वेस्कुलाइजेशन होगा, वहाँ पर ब्लड वेसल्स की आपको ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो दिखने लगेंगी, फिर सुपरफिशियल अल्सरेशन होगा, थोड़ा सा अल्सरेशन होना शुरू हो जाता है, फिर बाद में नेक्रोसिस होगी, फिर वो सेल जो बहुत ज़्यादा सेल की ओवरग्रोथ हो गई थी वो आपकी क्या होंगे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर बाद में क्या होगा फाइनली रीएपिथेलाइजेशन, बाद में क्या होगा एपिथेलियल लेयर द्वारा बना शुरू हो जाएगी, जिससे वो ट्यूमर टाइप की जो गांठ है वो पूरी तरीके से हट जाती है। फ्लोरोयूरिसिल शुड बी कंटिन्यू अंटिल द स्टेज ऑफ अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस एंड देन स्टॉप्ड। फ्लोरोसिल यूज हम जब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जबकि जब तक कि वो कंडीशन जो गांठ है उसमें थोड़ा सा अल्सर नहीं हो जाए और अल्सर के बाद वो नेक्रोसिस होकर डैमेज ना होना ना शुरू हो जाए, उसके अंदर से स्टॉप कर देते हैं ताकि वो क्या है वो नॉर्मल जो जो आपकी स्किन में जो और रफ एंड टफ जो गांठ हो गई है हाईली किटनाइज लेयर की वो एकदम सपेस हो जाए। द हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू 1 to 2 months आफ्टर द हेरिटेज डिसकंटिन्यू। हीलिंग प्रोसेस लगभग जो जब हम इसे 5-फ्लोरोसिल लड़ा देंगे लगभग 1 to 2 months में इसकी हीलिंग प्रोसेस होती है, तो हीलिंग प्रोसेस में हीलिंग को करने वाली ड्रग दी जाएंगी। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इंक्रीज इंटेंसिटी एंड रिएक्शन शुड बी अवॉइडेड। तो जब ये 5-फ्लोरोसिल जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पेशेंट को अवॉइड किया जाता है सनलाइट से, एक्सपोजर से, और साथ में इंटेंसिटी रिएक्शन तो जो सनलाइट के एक्सपोजर से ताकि जो साइड इफेक्ट हैं वो आपके या इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन अपीयर ना हो। इसके अलावा आपका अमीनो लेविनिक एसिड जो यूज़ किया जाता है वो आपका बेसिकली ये एक एंडोजीनियस प्रीसकर है, फोटोसेंसिटाइजिंग पोरफायरिन मेटाबोलाइट्स होते हैं जो भी ये बेसिकली क्या करें हमारी स्किन में जो आपके पोरफायरिन मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं, और ये जो एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारी जो सेल की ऊपर वाली लेयर होती है वो आसानी से हट जाएगी। जो ऊपर की सेल की जो लेयर है काफ़ी थिक हो गई है, मोटी हो गई, ब्लैकिश स्किन क्रिएटिनिन लेयर जो बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है, तो जो वो आसानी से रिमूव हो जाती है। तो ये बेसिकली व्हेन द टॉपिकली इज अप्लाइड, मतलब अमीनो लेविनिक एसिड जो अप्लाई किया जाता है तो हमारी जो स्किन के अंदर जो प्रोटो पोरफायरिन 9th होता है वो इस सेल की में क्या होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये एक्सपोज हो जाता है लाइट के साथ में, एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ में जो एक्सपोज होता है, तो उसके बाद में ये क्या करता है ये प्रोड्यूस ए फोटोडायनेमिक रिएक्शन, एक फोटोडायनेमिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, और इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा जो साइटोटॉक्सिक सुपरऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स वहाँ बनने शुरू जाते हैं, और ये जो होंगे वहाँ के आसपास जो ओवरग्रोथ ऑफ सेल्स हैं उसको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो वहाँ पर जो एक्सेसिव ट्यूमर टाइप का बन गया था डेड सेल का वो आपका हटना शुरू हो जाता है। स्किन के ऊपर बहुत सारे लेयर बन जाती हैं, ट्यूमर बन जाता है डेड सेल का, उसको रिमूव करने के लिए यूज होते हैं बेसिकली। तो फोटोसेंसिटाइजेशन बाई ये अमीनो लेविनिक एसिड्स यानी ALA एंड इम्यूलिनेशंस विद ब्लू लाइट फोटोडायनेमिक थेरेपी इम्यूलिनेटर इज द बेसिक ऑफ ALA थेरेपी। यानी अमीनो लेविक एसिड का जो थेरेपी यूज़ करते हैं वो आपके दो तरीके से है, इम्यूनलाइजेशन मतलब ब्लू लाइट हल्की सी दी जाती है जिससे ये एक्टिवेट हो पाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से क्या है जो आपकी डेड स्किन की बहुत सारी लेयर थी, थिक लेयर थी, ट्यूमर टाइप की थिक लेयर हो गई, वार्ट्स था, वो आपका रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो 20% जो टॉपिकल एप्लीकेशन ALA इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एडेनिक क्रेटियोसिस। एडेनिक क्रेटियोसिस में के ट्रीटमेंट में 20% ऑफ अमीनो लेविनिक एसिड का जो टॉपिकल सॉल्यूशन होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलो बाई ब्लू लाइट फोटोफाइनिक फोटोडायनेमिक इम्यूलेशन 4 to 14 to 18 hours later।
ठीक है, जो अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में हम 14 से 18 घंटे के अंदर एक ब्लू लाइट का इम्यूलेशन देते हैं, जिससे उसके जो रिएक्शन होती हैं वो स्टार्ट हो पाती हैं और अपना काम वो वापस कर पाए। पेशेंट मस्ट बी अवॉइड एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ब्राइट इंडोर लाइट्स फॉर एटलीस्ट 40 आवर आफ्टर द ALA एप्लीकेशन। अगर किसी पेशेंट को अमीनोलेविनिक एसिड का एप्लीकेशन किया गया है तो जब अप्लाई करा हुआ है तो उसके 40 घंटे के बाद तक उसे किसी सनलाइट से एक्सपोज नहीं होना है, ना ही किसी ब्राइट लाइट से एक्सपोज होना है। ठीक है, अब आते हैं एंटी परपेरेटिक एजेंट्स। एंटी परपेरेटिक एजेंट बेसिक इचिंग को सप्रेस करने वाले हैं, चाहे वो इचिंग आपकी किसी भी कारण हो। तो टॉपिकल डॉक्सीपिन जो 5% क्रीम होती है, मे बी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एंटी परपेरेटिक एक्टिविटी ऑफ टॉपिक डर्माटाइटिस जो होती है, अटॉपिक डर्माटाइटिस इन्फ्लामेशन होता है स्किन का, जहाँ पे इचिंग होती है, इसकी स्किन टफ हो जाती है, उसमें यूज़ किया जाता है। दिस मैकेनिज्म रिलेटेड टू द H1S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हिस्टामिन जो रिसेप्टर H1S2 है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हिस्टामिन की वजह से जो इचिंग हो रही थी वो आपकी सप्रेस हो जाती है। प्री क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरिएबल एंड मे रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट ड्राउजिंग इन द पेशेंट्स। पर क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी म्यूकोसा लेयर है उसमें अगर उसके आसपास ये अप्लाई किया जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राउजनेस, हल्का सा नशा आने लगता है। जैसे आपको H1 ब्लॉकर जो होते हैं सिट्राजीन, वो भी क्या होते हैं, ड्राउजनेस करते हैं, तो ड्राउजनेस जैसे सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट टॉपिकल यूज इज कंट्राइंडिकेटेड इन यूरिनरी रिटेंशन और नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से ही इसका टॉपिकल यूज़ हम यूरिनरी रिटेंशन जो पेशेंट हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसमें यूज़ नहीं करेंगे टॉपिकली, और ना ही नैरो एंगल ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे इन्हें फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप। अब लास्ट रह गया आपका ट्राइकोजेनिक एजेंट्स। ट्राइकोजेनिक एजेंट्स आर दोस डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर। अगर किसी को एलोपेसी है, कोई गंजा है, तो उसको हेयर ग्रोथ करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोजेनिक एजेंट्स कहते हैं। एंड टॉपिकल मेनोक्सिडिल जो होता है, जिसको ब्रांड नेम रोगेन है, इज इफेक्टिव इन द रिवर्सिंग द प्रोग्रेस ऑफ मिनाट्यूरलाइजेशन ऑफ स्कैल्प हेयर इन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो एलोपेशिया जो बाल झड़ जाते हैं, एंड्रोजेनिक का मतलब है एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स होते हैं उनकी ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से होता है, तो उसको उसमें हम मेनोक्सिडिल को यूज़ करें तो मेनोक्सिडिल से क्या है, स्कैल्प में दोबारा वो आपके हेयर अपीयर होने लगते हैं। स्पेशली वर्टेक्स ब्लेडिंग इज मोर रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी देन ए फ्रंटल ब्लेडिंग। वर्टेक्स ब्लेडिंग मतलब क्या है, पीछे से बाल झड़ना, आप सिर के पीछे वाले पोर्शन से, फ्रंट वाले पोर्शन से नहीं, पीछे वाले पोर्शन से अगर बाल झड़ें बीच वाले पोर्शन से, तो उसे बोलते हैं वर्टेक्स ब्लेडिंग। और फ्रंटल ब्लेडिंग क्या है, आगे से फ्रंटल पोर्शन से ब्लड झड़े, बाल झड़ें, तो फ्रंटल ब्लेडिंग कहते हैं। लेकिन जो मेनोक्सिडिल की जो थेरेपी है वो वर्टेक्स ब्लेडिंग में अच्छा रिस्पॉन्स देती है एज कम्पेयर टू द फ्रंटल ब्लेडिंग। मतलब आगे से गंजा है, फ्रंटल पोर्शन से कोई इसमें बाल नहीं है, उसमें इतना इफेक्ट नहीं देती है मेनोक्सिडिल, लेकिन इससे पीछे वाले पोर्शन में, जो जहाँ पे हम बोल रहे हैं पीछे वाले जस्ट मिड ऑफ द हेयर, मिड ऑफ द स्कल जो है, हमारी जो क्रैनियल का जो मिड पोर्शन होता है वहाँ पर बाल गायब हो जाते हैं बीच में, उसमें ज़्यादा इफेक्ट देती है। मैकेनिज्म ऑफ मेनोक्सिडिल हेयर फॉलिकल्स की अनोन है, बेसिकली ये सर्कुलेशन बढ़ाती है और जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, बाकी और भी मैकेनिज्म हो सकती है। द इफेक्ट ऑफ मेनोक्सिडिल इज नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है, जब तक हम इसे अप्लाई करेंगे तब तक चलता रहेगा, और जैसे ही इसे हम छोड़ेंगे तो हेयर लॉस होना फिर शुरू हो जाता है 4 से 6 मंथ के बाद में। इसके अलावा एक और ड्रग यूज़ होती है ट्राइकोजेनिक एजेंट में, वो है फिनास्टीरेट। फिनास्टीरेट क्या करती है, ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। मैंने बताया ना आपको एड्रोजेनिक एलोपेशिया का मतलब क्या है, कि एंड जो आपके डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेवल बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपका बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो जो आपका फिनास्टीरेट है वो बेसिकली क्या करता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओरल फिनास्टीरेट 1 ग्राम पर डे प्रमोट द हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट फर्दर हेयर लॉस इन मैनी मैन विद एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। जिन आदमियों के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से जिनका हेयर एलोपेशिया हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं,
तो उनका अगर 1 ग्राम 1 mg पर डे उसको फिनास्टेट दें तो उसके हाँ बाल गिरना, बाल की हेयर ग्रोथ प्रमोट, हेयर का आना शुरू हो जाता है और बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months इज नेसेसरी टू सी इंक्रीज द हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट फर्दर हेयर लॉस। 3 से 6 month तक अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो देखेंगे कि आपके हेयर ग्रोथ अच्छा खासा हो जाता है और हेयर का लॉस भी होना कम हो जाता है। लेकिन ट्राइकोजेनिक जो आपके एजेंट्स हैं उनके साथ में गलती एक दिक्कत भी है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट ऑफ फिनास्टेट इज नेसेसरी टू सस्टेन बेनिफिट। अगर आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट रखेंगे फिनास्टेट का तभी ठीक है, जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही बाल फेयर करना शुरू हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे, डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो मतलब कि डिजायरनेस ऑफ सेक्स कम हो जाती है, इजेक्शन डिसऑर्डर होते हैं, इजेक्सुलेशन पीरियड कम हो जाता है और इरेक्टाइल डाइफंक्शन जैसे हो सकते हैं किसके अंदर, मेन के अंदर। क्यों इट और ये जो दोबारा ये एडवर्स इफेक्ट जो अपीयर हो रहे हैं, डिक्रीज लिबिडो, इजेक्शन डिसऑर्डर हो रहे हैं, इरेक्टाइल डाइफंक्शन हो रहे हैं, ये दोबारा ठीक हो जाते हैं जैसे जैसे हम इस ड्रग को फिनास्टेट को या अदर ड्रग को हम रोक दें। इट रिजॉल्व इन मोस्ट ऑफ मैन हु रिमेन ऑन थेरेपी इन ऑल मैन बे हु डिसकंटिन्यू फिनास्टेट। अगर हम अगर वो जो यूज़ कर रहे हैं इस थेरेपी को उसमें अगर फिनास्टेट को ये डिसकंटिन्यू कर दें तो ये एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे आपके, चले जाएंगे, दोबारा वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इस तरीके से प्रेगनेंट वूमेन हु शुड अवॉइड द फिनास्टेट इवन द हैंडलिंग ऑफ क्रश टेबलेट्स। और जो प्रेगनेंट वूमेन है उसको भी एलोपेशिया अगर है तो उस कंडीशन में फिनास्टेट का यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें क्या है कि देर इज़ अ रिस्क ऑफ हाइड्रो हाइपोसिडेसिया इन मेल फिटस के चांसेस बढ़े आते हैं। तो मेल फिटस में जो आपकी हाइड्रो हाइपोस्पेडिया का मतलब क्या होता है कि जो जेनिटल ऑर्गन ऑफ मेल होता है जिससे यूरिनेशन यूरिन बाहर आ पाता है, उस पाथवे का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं हाइपोस्पेडिया। तो जब अगर प्रेगनेंट वूमेन अगर इसे फिनास्टेट को अगर ले रही होगी तो उस वजह से क्या हाइपोस्पेडिया हो जाएगा, यानी कि मेल जो फिटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर यूरिन जो बाहर निकलने का रास्ता है वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रेगनेंट वूमेन को फिनास्टेट देने से अवॉइड किया जाता है। अब लास्ट रह गया आपका ट्राइकोजेनिक एजेंट्स। एंटी ट्राइकोजेनिक एजेंट्स वो एजेंट हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे आपका इलोरनिथिन इज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ ऑर्थिनिन डीकार्बोक्सिलेज दैट कैटालाइज द बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीएमीन्स। यानी कि एरिथ्रिन जो है वो आपका ऑर्थिनिन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है जिससे कि पॉलीएमीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और पॉलीएमीन की वजह से ही क्या होता है सेल डिवीजन हो पाती है और सेल डिवीजन के साथ में हेयर की ग्रोथ हो पाती है। अगर आपका ऑर्थिनिन डीकार्बोक्सिलेज ही नहीं इनहिबिट हो गया तो पॉलीएमीन बनेंगे नहीं, और पॉलीएमीन नहीं होंगे तो हेयर की ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। तो पॉलीएमीन आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन, इनहिबिटेशन ऑफ ऑर्थिनिन डीकार्बोक्सिलेज अफेक्ट द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ। यानी कि अगर ऑर्थिनिन डीकार्बोक्सिलेज नहीं बनेगा तो हेयर की ग्रोथ रुक जाएगी, हेयर आगे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑर्थिनिन डीकार्बोक्सिलेज नहीं बनेगा तो पॉलीएमीन नहीं बनेगा, और पॉलीएमीन नहीं होगा तो हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आपका इलोरनिथिन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग फेशियल हेयर ग्रोथ इन 30% ऑफ वुमेन व्हेन अप्लाइड ट्वाइस डेली फॉर 6 months। जो आपका इलोरनिथिन जो ड्रग है इसको ये बेसिकली आपके फेस पे अगर हेयर ग्रोथ हो गए वुमेंस में उसको 30% तक ग्रोथ देती है जब वो दिन में आप 6 month तक ट्वाइस ए डे अप्लाई करती हैं। हेयर ग्रोथ वॉज ऑब्जर्व टू रिटर्न प्री ट्रीटमेंट लेवल्स 8 weeks आफ्टर डिसकंटिन्यूस। लेकिन ये देखा गया है कि हेयर ग्रोथ दोबारा होने लगती है जब इसके जब इसको इसका ट्रीटमेंट को इसके जो ट्रीटमेंट हमने रोक दिया उसके 8 हफ्ते बाद में डिसकंटिन्यू करने के बाद में हेयर ग्रोथ आने होने लगती है, मतलब इसको लेना ही लेना पड़ेगा, अगर आप रोकेंगे दोबारा हेयर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट 3 पार्ट में ड्रग अप्लाई ऑन स्किन, जो आपके ड्रग टॉपिकल प्रिपरेशन जितने भी होती हैं जो स्किन में अप्लाई होती हैं उसको आज हमने आपके ख़त्म कर दिया। अब जो रह गया है वो आपका म्यूकस लेयर पर रह गया है, स्किन वाला ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो आपके ड्रग यूज्ड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।